लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गगन? दीदी, जीजू, दीदी मेले से आ गई। कौन सा मेला? कुंभ का मेला। तुम ना एक मिनट चुप करो। गगन, ये लड़की कौन है? कौन है तुम? बता दूं? नहीं, प्लीज, मैं समझाता हूं। तुम आई, देखा कि हम दो चिटके हुए, तो तुम्हें ऐसे लगा जैसे और शक्कर भी क्यों नहीं। कोई भी बीवी अपने पति को किसी गैर स्त्री के भाव में नहीं देख सकती। धोखा ही नहीं, नेत्र मात्र का भ्रम। देवी जी, भूल जाइए। मैंने पूछा ये लड़की कौन है। शास्त्रवचनम्। वाह, पुरुषस्य भागम स्त्रियम चरित्रम देवो न जाने कुतो मनुष्य। मतलब? अर्थात स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता नहीं जानते, तो मनुष्य की क्या दशा। मैंने पूछा ये लड़की कौन है। जगत माता, किसी न किसी की बेटी है, किसी की होने वाली बहू है, दादी, बहन है। ये लड़की कौन है? ये इसकी बीवी है। तो बोलता क्यों नहीं मैं? I'm speechless. No, you have to give a big speech. She's your wife. ये क्या बताएंगे? मैं बताती हूँ, जब से हमारी शादी हुई है ना, कुछ बताते ही नहीं है। देखो कैसे दूर दूर भाग रहे। इलाही, जब तक हमारा अफेयर चल रहा था ना, तब तक सब कुछ सही था। उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। आपको पता है, मैं जूस लाने कहती हूँ तो दूध लेकर आती, मैं दूध लाने कहती हूँ तो दही लेकर आती, मैं दही लाने कहती हूँ तो पनीर लेकर आती। अम्मी को तो ऐसी फोड़ना, मैं आप ही बताओ ना मैं क्या करूँ। दीदी, हेलो, तुम कौन हो? दीदी, वो मैं पीपी प्योरीफायर से प्योरीफायर लगाना था, हमारी बात हुई थी ना फोन पे। गप्पू? हाँ, अच्छा तुम गप्पू हो। अच्छा तुम तो आ गए प्योरीफायर लगाने, तुम्हारी बीवी क्यों आई? वो क्यों क्यों आई? क्यों आई बे? क्योंकि ये नहीं आ रहे थे। ए, तू क्यों नहीं आ गए? अरे मैं क्यों हूँ? सुबह से पता है मेरे से लड़ी जा रही है। दीदी, मेरे को नाश्ता तक नहीं दिया इसने। अरे तू इसे नाश्ता क्यों नहीं देती बे? सूख गया है। मैं नाराज थी इनसे। तू नाराज क्यों करता है उसे बे? मैं अपने सारे घर के राज खोल दूं क्या? अरे बस हो गया ना, मतलब नहीं है ये कुछ है। आप बताओ ना, आपने तो फोन किया था उसे। मैं? गगन, तुमने इसकी बीवी को बुलाया? अरे यार, ये प्यूरीफायर लगाने आया था तो मैं क्या, चल निकल भाग। तो कहा कि नहीं, बेला ने कहा नाम गप्पू है। मैं इमोशनल हो गया। तुम्हें तो पता है एक्टर कैसे होते, कैसे होते? बहुत इमोशनल होते। तुम्हें कहा आयो तो लगा दो। गगन, ये तो आया प्योरीफायर लगाने, तुमने इसकी बीवी को क्यों बुलाया? यार ये झगड़ा कर रहा था इससे फोन पे कि मैं नौकरी पे जाऊंगी, तेरे साथ घर पड़ा रहा हूं। तो मैं कहा यार शादी की है तो निभाओ मेरी तरह, ये क्या है? और ये इसे फोन पे फोन किए जा रही है, घर आ जाओ घर आ जाओ घर आ जाओ। ए, तू इसे फोन क्यों कर रही थी? क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है और ये आज के दिन भी मुझे अकेला छोड़ के यहाँ काम के लिए आ गए। बैठो ना, ऐसे भी कोई करता है दीदी। तुम्हारी एनिवर्सरी है और इसको यहाँ पे आना पड़ा। पर पति किसके लिए कमाता है? पत्नी के लिए ना। और तुम इसे नाराज मत हुआ करो और इसे नाराज किया भी मत करो। क्या है? कुछ भी नहीं, सही कह रही हो तुम। एक और बात, तुमने इसको गले क्यों लगाया था? बेला, आपने गगन पे शक किया?
शक वो कीड़ा होता है जो शरीर को, रिश्ते को, पूरे घर परिवार को खा जाता है। गगन, I'm so sorry, गगन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया, पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जो बीवी या पति से बहुत प्यार करती है ना, वही शक करती है, और मैं तुम्हारा प्यार कभी नहीं भूलूंगा। I love you. Love you. Love you. पर तुम जो शिमला गई थी, तुम घर कैसे आ गई? ओ शिट, अरे मैं गाड़ी चला रही थी और फोन पे बात कर रही थी, सामने ऑटो वाला आया, अब उसको बचाने के चक्कर में मैंने टेम्पो वाले को ठोक दिया। He is waiting for me. मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी लेके जाना। तूने एक्सीडेंट कर दिया? तुझे चोट तो नहीं लगी? नहीं, आई एम फाइन, आई एम फाइन। प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम यहाँ पे देखो, अंदर ढूंढती हूँ। गप्पू बिंदु, जस्ट फील दैट। चीचू, चीचू, आपको जीजू कहते हो ना, मुझे शर्म आती है। आप ऐसा कर कैसे सकते हो? मेरी दीदी का घर कैसे उठा रखते हो आप? पता है आप दो नंबर के जुगाड़बाज आदमी हो, आपका दिल्ली का पता होगा। हाँ, मुझे चलना चाहिए, इतनी देर हो गई है, मेरे हस्बैंड क्या सोचेंगे? आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ में ये मुंह क्या रहे? कौन सा एंगल है ये? ये एंगल नहीं है, ये लेफ्ट एंगल है। जब तक तू बड़ा नहीं होगा तुझे कैसे समझ में आएगा? अरे यार क्या हो रहा है, मैं कोई सब देख लेता तो मैं हिमाचल चले जाता। अबे तू मुझे कह, मैं तुझे छोड़ आता हूँ। इसको जहाँ जाना है जाओ, मैं तो घर जा। अरे ऐसे कैसे जाएगी? वो बाहर निकली, उसे क्या जवाब दूंगा? उसे पैसे लेकर चले जाने दो, उसके बाद तुम चले जा। मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा। कैसे कर लेते हो आप ये सब? मैं कैसे नहीं करूंगा। तूने महाभारत का 67 एपिसोड देखा है? आपने भी देखा? सबने देखा है। तेरी बेला दीदी है वो, बेला दीदी है। मैं तेरे एक नहीं 5 प्यूरीफायर लगाऊंगा, पर अपनी बेला दीदी का घर टूटने से बचा ले। जो आपने ना 4 जिंदगियों का रायता बना के रखा, अब पता नहीं और कौन रायता खिलाने आ गया। प्लीज बहन जी, मेरी जान आ गया तेरा भाई। भाई वापस चले गए, एहसान कर रहे क्या? फिर बुलाया क्यों? अरे कहाँ बता, पौना घंटा लेट आते, समीर का फोन तो झट से पहुंच जाते। गुस्सा तो होइए मत। चुपचाप फटाफट अपना काम करेंगे, ड्रिल करके निकल जाएंगे, बड़े लोग हैं, बुरा मान जाते हैं। सनी, ये मेरे जीजू हैं और ये मेरी बहन। जीजू बहन? जीजू, ये सनी है, मेरा ड्रिल वाला दोस्त। और आपको पता है हमारी छतें भी सेम है, मैं जितने भी प्योरीफायर लगाते हूँ ना, सबकी ड्रिल यही करता है। यहाँ पे 5 प्योरीफायर लगा रहे जीजू, कन्फर्म कर। 5 नहीं 15 लगवाएंगे, बेला के ऑफिस में ही नहीं, उसके एनजीओ में भी लगवाऊंगा। अबे तू तो हिमाचल का था, तेरे छोटे छोटे सपने थे, छोटी छोटी भूख थी, छोटी छोटी रोटी थी। हाँ, तेरे छोटा दोस्त आ गया है, अब आगे और क्या छोटा निकलेगा? मैं दिल्ली आ गया हूँ ना, अब बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े फ्लैट हैं, लच्छे पराठे हैं। वो मेरी बड़ी बड़ी बीबी बाहर आ गई तो तेरा क्या क्या बड़ा कर देगी, तू सोच नहीं सकता। अरे ये स्क्रू की साइज का आया है, ड्रिल करना चाहता है। तू अपना लाइसेंस ढूंढो, मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, ड्रिल वाला है गप्पू भैया, अब तो आप जल्दी से प्योरीफायर लगा दो और फिर आप अपनी इस प्यारी सी बीवी को लेकर कहीं घूमने। एनिवर्सरी है ना आज आपकी, तो सेलिब्रेट करो, पिक्चर विक्चर देखो। मैं बस 2 मिनट फिट करके पहले लगवा। सुनो तो दीदी, बीवी यार, अरे मटर भी तो उस तरह से। फटाफट काम करना भाई, सामान से वो निकालना यार। क्या हुआ सन्नी? क्या हुआ सन्नी? अबे क्या क्या हो गया, तूने मुझे बताया तक नहीं कि तेरे जीजा और जीजी इतने बड़े आर्मी। चुप हो जा यार सनी, चुप हो जा भाई। ये सनी आराम से बैठ के बात करते ना भाई, लंबी स्टोरी है ना, क्यों ऐसी चक्कर? लंबी तो होगी स्टोरी, शादी जो कर ली तूने 2 मिनट में भाई को गैर समझ लिया। ऐसी बातें कर रहे हैं सनी, तू मेरा भाई है यार, मैं तुझे गैर तोड़ने को दूंगा? और मैं तेरे को कह रहा हूँ आराम से बैठ के सारी बात करेंगे ना भाई, अभी प्लीज मशीन निकाल ले, काम वगैरह कर लेते ना प्लीज। रब? ना झूठ, हम दोनों बोल रहे हैं, बोल तुम रब को रहे हो। तुम ना चलना चाहिए। कैसे कैसे जा सकती है? तेरा होश हो जाएगा। तुम हमेशा सिर्फ खुद की पड़ी होती है ना गगन। तुम्हारी भी पड़ी है, और ऐसी मुश्किल घड़ी में तूने मेरे साथ दो कदम आगे चलना था।
लेकिन तुम तो चार कदम पीछे जा रही हो। अरे तुमसे तो अच्छा वो भोला वाला साला है, न जाने कैसे कैसे झूठ के पहाड़ खड़े कर रहा है। और बिंदु तुम, यू आर अवॉइडिंग गगन। गगन, तुम अब इसको क्यों चिपक रहे हो? यार इंसान इंसान में गले लगता है तो चिपकना नहीं होता यार। After all, humanity भी होती है कि नहीं? अच्छा एक बात बता, वो गुलाबी में गुलाबों कौन? बहन है। बहन। और वो जो साड़ी पहने हुए थी वो? दीदी है। दीदी। यार ये एक ही बात हुई ना, यही तो कंफ्यूजन है। एक मिनट भाई 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 रुक जा। ये मुझसे पूछने लगी कि प्रेम क्या होता है। मैं क्या यार, ये सब प्यार व्यार मुझे नहीं पता चलता, मैं गाय आदमी हूँ। और तुम उसे भैंस की तरह भैंस करने लगी, मैं क्या बेला महान है वो समझा सकती है? अरे अपने गप्पू की बीवी है बिंदु, जो तेरी बहन है और जो तेरी दीदी है, फिर तेरी दीदी तेरी बहन को तेरी बीवी क्यों बोल रही थी? नहीं, मेरे दिमाग की माँ बहन मत कर मेरे भाई, हम काम करने आए ना, वो कर लेते तो ड्रिल मशीन निकाल, ड्रिल करना क्या कर रहा है यार सनी? तुम प्लीज जरा चेक करना प्योरीफायर लगा कि नहीं, मैं इससे थोड़ी देर बात करती हूँ। तो मुझसे शेयर कर सकती हो क्या प्रॉब्लम है? तू कुछ ना कुछ चंट पना कर रहा है भाई, मैं भाभी से पूछता हूँ। भाई कैसे कमाल, अबे तू ड्रिल लगाने आया कि दंड पेलने? एक बार गप्पू, वो गप मार रही है, पोल खोल देगी तो लग जाएगी, ना जाकर पानी पिला। मैं कैसे पानी पिलाऊं? अबे तेरी बीबी है, तेरी दीदी है, तो पानी तो तू ही पिलाएगा। दीदी बीबी? यार तू अपना काम करना भाई। नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी पर्सनल बात करना भाई, काम कर ले। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, हमारा ड्रामा चल रहा है, तू नए पात्र की तरह बीच में क्यों घुस? मैं सोच रहा हूँ यार, क्यों चाहिए पूरा काम करना अपना। जीजू ये जो आगा बाहर लगा के आया ना, ये इतने से पानी से नहीं बुझने वाली। अरे ये औरतें है ना, दिल की बड़ी नरम होती है, प्यार से पानी भी पिला दो तो प्यास बुझ जाती है। कहाँ से सोचती हो? यहाँ से। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मैं ऐसे अचानक से गुस्से में यहाँ आ गई, पता नहीं आप लोग और मेरे हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। सच कहूँ बिंदु, तुमसे मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी छोटी बहन से मिल रही हूँ। क्या बिंदु? क्या है बे? जीजा जी, एक्चुअली मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। बोल। जीजा जी मैं ये कह रहा था कि आप इस झंडू के चक्कर में मत पड़िए, बहुत बड़ा पनौती है, जहाँ भी जाता है पनौती फैला देता है। मैं ये कह रहा हूँ आप ना इससे एक ही प्योरीफायर लगवाइए। एंड बाकी? बाकी ये समीर हैं, इनसे लगवा लीजिए, आधे दाम में लगा देंगे, टैक्स भी नहीं लगेगा, GST भी नहीं लगेगी। है स्मार्ट बॉय, आशीर्वाद दीजिए। अभी तक दिया नहीं है, यू डिजर्व इट। यस यस। दीदी आपका लाइसेंस मिल गया? अरे यार ये लाइसेंस ना पता नहीं कहाँ छुपके बैठ गया, मिल ही नहीं रहा। तुम इसके पास बैठो, मैं लाइसेंस ढूंढ के आती हूँ। सनी बोल भाई, राजीव ने तो यहाँ माहौल बना दिया है। क्या बात कर रहा है बे? भाई ये कि घर में पांच पांच प्योरीफायर लगा रहा है। अबे तो तू क्या कर रहा है वहाँ पर? भाई मैंने अपना काम कर दिया, ओनर को आपका कार्ड दे दिया मैंने। हाँ कहो तो धंधा चौपट कर दूँ साले का। कर दे कर दे कर दे कर दे। अच्छा समझो काम हो गया भाई, मैं रखता हूँ फोन, ठीक है भाई? Thank you.
वर्षों पहले प्योरीफायर लगाने आया था, लास्ट गाने लगा रहा हूँ, क्या करा रहे हो यार जीजू? हाँ सच्ची क्या हो रहा है, अब तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। hey, मैं क्या प्रोफेशनल किलर हूँ? सोचा नहीं था, मर गया। तो क्या जरूरत थी गीता का पार्ट पढ़ा के गधे से मारने की? अच्छा बल्ला मारा था ना उसे। हेलो, गर्ल्स की पिलो फाइट नहीं चल रही थी? हाँ लेकिन तुमने जो गधे से मारा उससे तो मर ही गया ना वो बेचारा। मैंने सुना अगर कोई बंदा बिन मौत पड़ता है ना तो उसकी आत्मा घर पे भटकती है। अबे तू मरा नहीं? मैं मरता नहीं, मैं अमर हूँ। सॉरी कम अगेन? मैं अमर हूँ। चीजू इसको तो डेड छोड़ के आए थे, ये डूड कहाँ से बन के आ गया? अबे तू गया तो पोपट था, ये डोनल डक की तरह कैसे बाहर आया? जागो राकेश साइया, नो वन कैन किल। आप कौन है? गैस। गैस? मेरे फूफा जी हैं। बचपन में सटके, अचानक टपके। पेरी पौना फूफा जी। बाथ विद मिल्क्स, ब्लास्ट विद फ्रूट पेरीज। दूधो ना, पूता फलो। इनकी स्टाइल है। बहु बहुत संस्कारी है। तुम अपने संस्कार कैसे भूल गए? अरे आधे पहले बना किया क्या फुफा? हम्प्टी डम्प्टी, तुम जो इनके साले हो और वो तुम्हारी बहन। कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं तो बीवी हूं ना इनकी। गॉड ब्लेस। तो फूफा जी आप क्या करते हैं? घर सफाई। फूफा जी आपको ये चोट कैसे लगी? हाँ लेकिन लगी कैसे? बहू मैं जैसे ही दिल्ली में एंटर किया तो मेरे ऊपर दिल्ली के कुछ लुच्चे लफंगे गुंडे टूट पड़े और उन्होंने मेरा पर्स चुरा लिया। उन्होंने मुझको बहुत मारा। आई फाइट टिल डेथ। फिर भी मरे नहीं। मुझे उन्होंने कॉफिन में डाल दिया। हाड़ के निकल है। वाह क्या हिम्मत दिखाई। पर आप आए कब? मैं कल नहीं, आ जाए जैसे तुम निकली वैसे आज। अच्छा अच्छा, पर मुझे आप कहीं दिखाई नहीं दिए। हमें भी। कैसे दिखते? ये तो गेस्ट रूम रिफ्रेश हो रहे थे, नहा धो के आए। बहू अगर तुम्हें ये क्लियर हो गया हो कि मैं फूफा ही हूँ तो नाश्ता पानी मिलेगा। ओह आई एम सो सॉरी, मैं अभी लेके आती हूँ। Guys, you are playing with fire. You liar. You liar. And you upcoming liar. But God will not admire. Hello. मेरे नीचे लगी हुई है फायर। क्या क्या लेके जा? जेवर। जो बेड के अंदर थे वो? ट्राई कर ले, जाने नहीं दूंगा। बहू आ गई। लीजिए फूफा जी। अच्छा बेटा अब मैं चलूं। अरे फूफा जी इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ दिन हमारे साथ रुकिए, बातचीत कीजिए। नहीं इन्हें बहुत काम। He's too busy. थोड़े पैसे होंगे गगन प्लीज। हाँ हाँ तो पर्स छीन गया। वापस कर दूंगा नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम फिर आओगे? बेटा मेरा बैग ले। फूफा जी आते रहा करिए और नेक्स्ट टाइम फूफी को जरूर लेके आना। अरे बेटा शी इज नो मोर लाइक माय वाइफ एक्चुअली। ओह आई एम सो सॉरी। नो प्रॉब्लम, जब भी दूसरी कोई मिलेगी मैं लेके आऊंगा। बाय द वे तुम क्या कर रही हो बेटा? मैं एनजीओ में काम करती हूं। औरतों की मदद करती हूं। वेरी गुड, एक्चुअली मैं भी एनजीओ खोलना चाहता हूं।
ये कितने में खुलता है ये आंटी? आऊंगा फिर से जल्दी। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। अच्छे थे तुम्हारे फूफा जी, कुछ दिन और रुकते तो अच्छा लगता। I can understand your feelings. तुम्हारा लाइसेंस और आरसी मिला? अरे यार इन सब बातों में ना लाइसेंस और आरसी भूल जाऊंगी मैं, पता नहीं कहाँ रख दिया। जीजू मुझे एक बात समझनी है, क्या आपने इनको फूफा ही क्यों बनाया, मतलब ताया या मामा क्यों नहीं बनाया? यार ये फूफा लफ्ज जो है ना ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। फूफा तेरे समझ में आया? नहीं। अच्छे अच्छे की नहीं। टोपी बनाने और झूठ बोले ना आपको ऑस्कर मिलना चाहिए। यार पहले नेशनल तो मिल जाए, ये पनौती गई है, जो अंदर पनौती है पहले से बाहर निकल। अरे सन्नी भाई क्या हो गया? अरे यार देख के तो खोलता यार तू। अरे तो मेरे को क्या पता तू वहां पे? ओ भाई तूने ड्रिल क्यों नहीं करा, मशीन कब फिट करेगा? भाई मैं लगाने ही वाला था लेकिन पता नहीं नट बोल्ट कहाँ चले गया। क्या अबे नट बोल्ट कहाँ चले जाएगा भाई, पागल है क्या? थोड़ा लेके आया था, लेके आया था क्या सन्नी? लेके आया था कि नहीं लेके आया था? यार मैं लेके क्यों नहीं आऊंगा, पागल हूँ क्या? तो फिर भाई कहाँ चलेगे? पागल है कहाँ चलेगे? नट बोल्ट जमीन खाके आस पास लेके कैसे कैसे घूम सकते हैं यार? मुझ पर क्यों चिल्ला रहा है यार तू? मैं सनीचर हूँ। और क्या? अबे सनीचर होगा तू? साले फेलियर आदमी, मेरे कारण दिल्ली में रहता है तू, रेंट भी मैं देता हूँ। अबे भाई कहाँ से दूंगा मैं रेंट, कहाँ से दूंगा मैं रेंट? अगर मैंने प्योरीफायर नहीं लगाया ना वो टकला मुझे कल नौकरी से निकाल देगा। मेरी तो मत ही मारी के तेरे से कमीने को बुला लिया यार। मैं कमीना हूँ ना? और क्या है भाई, अब लगा लियो खुद ही। जा भाई जा, मैं अपने नगर में भागते आते। अबे तू फिर दर्द फैल रहा है, ये क्या है? तो फ्री फायर लगाना है कि बॉडी बनाना है? तुझे क्या हुआ? अरे यार जीजू इसने अभी तक प्योरीफायर नहीं फिट करा यार। बोल्ट नहीं मिल रहे हैं जीजा जी, कितनी बार बताया इसको? अरे यार पता नहीं इसको हमेशा मेरे टाइम पे ही इसके नट बोल्ट खो जाते, पता नहीं मेरे काम में ये रोड आउट करता है, काम कुछ करता नहीं, और पार्टी से चाहिए दारू और चिकन की। नहीं चाहिए तेरी पार्टियां। शरीफ आदमी देख के चढ़ा है ठीक है, मैं तो तेरी लकड़ पकड़ी जैसे पाँव आई थी उल्लू जैसी आगे देख के समझ गया था तो इस बिजाई का काम बिगाड़ रहा है। और तू इसे काम पे लगा रहा है या तेरे काम की लगा रहा है? जीजू मैं कुछ समझा नहीं। ये देख ये कह रहा था तुझे एक प्योरीफायर लगाना है और चार ये लगाएगा, तुझे अपना समझता है और ये तुझे पनौती। यार सन्नी भाई मानता था तुझे यार, और तू कमाल है भाई। भाई पिछली बारी जब हिमाचल गया था तेरे लिए हिमाचली टोपी लेके आया था ना, क्यों? क्योंकि भाई है तू मेरा। अबे डेंगू हुआ था भाई तुझे याद है? डेंगू हुआ था, खून किसने दिया था भाई? मैंने। क्यों? क्योंकि भाई है तू मेरा यार। तू 2000 रुपए के पीछे लड़ता है, 2 साल में पता नहीं कितनी पार्टियां तुझे दी है मैंने। क्यों? क्योंकि भाई है तू मेरा। तू अपनी दारू और कमीशन के चक्कर में भाई का पत्ता काट रहा है। सॉरी भाई, भाई दिल से शर्मिंदा है तेरा भाई, माफ कर दे यार, गलती हो गई भाई। पिक्चर देखने चलोगे? कौन सी? द कुंग फू पांडा। हाँ चलो। 3D में। आ सन्नी बोल। सन्नी नहीं, तेरा बाप बोल रहा हूँ बे, समझे? बस सन्नी पागल हो गया क्या? साले कीचड़, तेरी तो संगति बेकार है, साले भ्रष्टाचारी कमीशन खोर। राजीव जैसे चंदन आदमी के साथ रहकर तू जहरीला सांप का सांप ही रहा। साले जब तू मरेगा ना तो सीधा नरक में जाएगा। यमराज है ना, डंडे लपेट देगा तेरे चबूतरे में, समझ गया ना? वो साले तू मिल मिल बेटा, साले इतना छत्तर मारूंगा तुझे, इतने छत्तर मारूंगा ना। काट फोन। ओके फाइन बाय। एक बोझ बचा है उसे निकाल देते भाई, मार। ओ नहीं भाई कैसी बात कर रहा? नहीं भाई तू मार मुझे मार। नहीं भाई तूने बस कर दिया, बहुत है यार सन्नी, बहुत है। जीरा जी आप ही मार दीजिए। मैंने मारूंगा यार, तू कमजोर आदमी, मर मरा गया तो नया केस हो जाएगा।
जीजा जी आपको जी जी की कसम। अरे यार उसकी कसम नहीं दे यार मुझे हार गया। अब देख दोनों भाई मिलकर पूरी दुनिया में पवित्र पानी फिट कर देंगे और आज के बाद से तेरा भाई किसी प्रकार का कोई रायता नहीं फैला। वादा। ले पता नहीं कौन रायता फैलाने आ गया, देखने दे। भाई तू उठा के अपना काम करने यार। घर नहीं मंदिर हो गया, मुझे छोड़ के सारे घंटे बजा रहे। जीजू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे, कौन है? क्या हुआ गगन? अब कौन आ गया? तेरा पति आया है। पति? अगर उन्होंने पूछ लिया कि मैं यहाँ कैसे। अरे यार जीजू हम दीदी को कहीं छुपा नहीं सकते क्या? नहीं छुपा सकते, इसने जरूर बाहर मेरी स्कूटी देखी होगी। पुलिस वाला बहुत शातिर बनके। अरे यार मैं आज यहाँ प्योरीफायर लगाने क्यों आया, इससे अच्छा तो मेरी नौकरी चली जाती। जीजू आप उस्ताद आदमी हो, कुछ सोचो ना यार। अगर बेला को पता लग गया कि तू राजीव की नहीं मेरी वो है तो हम गए, और तेरे पति को पता लग गया कि तू मेरी वो है तो हम गए। मैं सोच रहा हूँ अब मैं तुझे क्या बनाऊँ। नहीं 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 जीजू जीजू मैं बेला दीदी के सामने इनका नकली पति बन गया हूँ, लेकिन इनके असली हस्बैंड के सामने मैं इनका नकली हस्बैंड ही बनूंगा, क्योंकि अगर इनके असली हस्बैंड को पता चल गया कि मैं इनका नकली हस्बैंड हूँ तो जीजू वो पुलिस वाले हैं, वो बंदर को पीट पीट के कबूल करा रहे थे कि वो भालू है। मैंने ना किसी का भाई बनना है, ना किसी का पति और ना किसी का साला। क्या हो गया, सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? वो दीदी कोई प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? ये मेरी बीवी नहीं है। तुम्हारी बीवी नहीं है तो फिर किसकी बीवी है? वो जो बाहर पुलिस वाला घंटी बजा रही है उसकी। उम्र सारी। तो तुम्हारा इसके साथ क्या चल रहा है? अफेयर चल रहा है। और गगन तुम्हें ये सब? मुझे तो पता ही नहीं था, अब पता चला है। तुमसे तो मैं बाद में निपटती हूँ, पर बिंदु तुम पति के होते हुए तुम ये सब कैसे कर सकती हो? दीदी अब मैं क्या बताऊँ मैं कैसे इस इंसान के साथ रह रही हूँ? कोई इंसान हर बात पे ही हा हा हू कैसे कर सकता है? दीदी तो उम्र में मैं इतनी छोटी हूँ, इस बात से वो तो बहुत खुश है लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं। आपको पता है जब हम बाहर जाते हैं ना तो लोग बाप बेटी के चोरी नजर से देखते हैं, ताने कसते हैं। आपको लगता है मुझे अच्छा लगता होगा? इस बात से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है, बुरा लगता है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पति ऐसे होंगे। चाहती थी कि मेरे साथ कोई ऐसा इंसान हो जिससे मैं प्यार कर सकूं। चाहकर भी मैं इनसे प्यार नहीं कर पाई। फिर मुझे ये मिल गया, मुझे इनसे प्यार हो गया। बिंदु तुम दोनों की उम्र में बहुत अंतर है, मुझे समझ में आता है। बाकी तो तुम्हें गलत लग रहा है। और फिर देखो एक गलती सुधारने की बजाय तुमने दूसरी गलती कर डाली। बेला जो हुआ अब इस बेचारी का घर बिखरने से बचा लो प्लीज, और फिर इसे जो सजा देना है दे देना। आप क्या तमाशा इधर है, क्या हो रहा है? सर देखिए ना मैडम। बॉय लेडीज फर्स्ट। ओके सर। हाँ मैडम बताइए क्या बात है? सर देखिए इसने बिना इंडिकेटर के कट मारा है, अब ये इसको बचाने के चक्कर में थोड़ी सी गाड़ी लगी, अब ये मुझे धमकी दे रहा है कि मुझे इसको पैसे देने पड़े। ओए ले जा इसको, चुटकुला सुना। आ भाई इधर आ जा। सर हाँ मैडम जी लाइसेंस दिखा दीजिए जरा। सर वो मुझे लगता है मेरा लाइसेंस घर पे रह गया। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं अपने एनजीओ के काम से शिमला जा रही हूँ सर, बहुत जरूरी काम है
अब एक काम करो, पेपर्स ले आओ और गाड़ी ले जाओ। वो आप अपना ये फोन कार में भुलाई थी जी। हाँ जी, और जब भी बजाना तो गायत्री मंत्र की आवाज आई और मैं तभी समझ गया किसी भगवान के बंदी को परेशान किया है मैंने लाइसेंस के चक्कर में। लाइसेंस ना अभी तक ढूंढ रही हूँ। वो तो जी आपको ढूंढ के थाने लाना पड़ेगा जी, इसमें मैं कोई सेटलमेंट नहीं कर सकता। वो क्या कहते हैं ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पुलिसिंग। मैडम जी एक बात पे मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्या वो जी ये जो स्कूटी है ना ये मेरी वाइफ की भी सेम कलर की है और नंबर भी सेम है जी। बिंदु आपकी वाइफ है? हाँ जी बिल्कुल पर्सनल वाइफ है मेरी। बहुत तारीफ करती है वो आपकी। अच्छा, अरे आइए ना अंदर ही है, चाय वाय लीजिए। आइए आइए। ना जी चाय नहीं, ग्रीन टी पिलाइएगा तो मैं अंदर आऊंगा। बिल्कुल प्लीज आइए। अच्छा जी। ओए बिंदु, ओए गुड टू सी यू यार, है यहाँ पे। लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? I'm myself, गगन कपूर। ओह हाँ जी गगन कपूर, आपका नाम नेम प्लेट में देखा था मैंने। आप पंजाबी हो? नहीं बंगाली। अरे पक्का पंजाबी हो। ये बच्चा कौन है भाई? तेरा नाम नहीं देखा बाहर नेम प्लेट पे। ये साला है, इनका भाई है। अच्छा भाई है। पर शक्ल तो मिलती नहीं है। मैंने भी शादी में यही सवाल पूछा था। होता है जी, होता है। वो कह रहा मेरे पिताजी और ताऊ जी की शक्ल नहीं मिलती, फिर भी दोनों भाई है। अनिल कपूर बोनी कपूर, हाँ शक्ल मिलती है नहीं, फिर भी दोनों भाई है। मैडम जी आपकी ग्रीन टी नहीं है अभी तक। आप तब तक पानी ले लीजिए जी। आपका लड़का है और जेब में पानी लेके घूमता है? वो आजकल कभी भी कोई भी आ जाता है ना जी। स्मार्ट है पंजाबी लड़का ये। क्या तो ग्रीन टी ले। एक्सक्यूज मी, आप तो शिमला जाने वाली थी है ना, फिर तू यहाँ क्या करने आई? ये लोग साथ में पूजा प्रार्थना करती हैं। ये आज यहाँ आ रही थी, ये अचानक शिमला चल पड़ी, अब ये निकली है, वो आई है, वो निकल रही थी कि ये आ गई, अब ये साथ निकल रही थी कि आप आ गए। यार वैसे बात नहीं कमाल का। नो मैं कमाल का नहीं, बिंदु को आदमी हूँ। ड्रामे में मैं पुलसिया का रोल करता था, ईमानदार पुलसिया। तो लोगों ने देखकर बोला भाई तेरी जरूरत तो बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तू बाहर जा। तो मैं बाहर आ गया, दिल्ली आ गया, पुलसिया बन गया देख लो। वैसे आप आदमी ना एकदम सुरंग के जैसे हैं जी, मतलब खुलते ही जा रहे हैं, खुलते ही जा रहे हैं। आप वही है ना जो जिनको दूध लाने भेजो तो पनीर लेके आते हैं, जो दूध लेने जाता है तो खीर लेके आता है। शुरू से कोर्स किया है? ओ ना जी कोर्स वोर्स नहीं किया, ये सारी जिंदगी का अनुभव है। देखो जी जिंदगी जो है ना बुलबुले की तरह होती है, या तो आप दुखी होके जी लो या फिर हंस के जी लो, है खुश होके। तो मैंने सोचा यार हंस के जीते तो हंस के जीता हूँ। भाई साहब आप हमेशा खुश रहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, पर कभी दुख आ गया तो मान लीजिए कभी बिंदु आपको छोड़ दे फिर भी आप खुश रहेंगे? वो मैडम जी सवाल तो आपने बड़ा कठिन किया है, बिंदु मुझे छोड़ के चली जाएगी दुख तो बहुत होगा जी, पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसने आज तक मुझे अपनाया हुआ है, मेरी तरफ देखो जी बिलो एवरेज आदमी, मामूली सी शक्ल है, मामूली सी नौकरी है, कुछ खास दिखने में नहीं हूं, पेट निकला हुआ है,
मैं जानता हूं मैं इसके लायक नहीं, इसके लायक तो आप जैसे हैंडसम और स्मार्ट आदमी हो जी, लेकिन 6 साल हो गए इसने मुझे छोड़ा नहीं। बात की बस ऐसे ही, सॉरी। क्या कर रही है तू पगली? रो मत, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा। जिनसे चिपक रही है सही चिपक रही है, अगर तू ज्यादा चिपका ना तो मैं तुझे चिपका डालूंगा, समझा? गगन, एक्चुअली मुझे भी तुमसे माफी मांगनी है। समाज की सेवा करते करते मैं ये भूल ही गई कि पति की सेवा करना भी मेरा ही फर्ज है। मैं तो तुम्हें बात तक करने का वक्त नहीं देती। इन सब बातों के बावजूद तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। आई एम रियली सॉरी। कोई गलती हुई हो तो माफी चाहता हूं। क्या बात कर रहा है बिंदु, हम तो स्टेज के एक्टर हैं, ये रियल हीरोज हैं, ध्यान रख। अगर किसी की बीवी का ऐसा हस्बैंड होगा उसका 12 अफेयर करना। तो कभी किसी के रिश्ते को अपनी नासमझी से खराब मत करना, और अगर कभी मन करे ना तो ये चांटा जरूर याद कर लेना। झूठ बोलकर और झूठे रिश्ते बनाकर ना तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और तुम ना खुद को गप्पू कहना बंद करो, तुम गप्पू हो ही नहीं सकते। गप्पू यार, तू तो रिश्ते से बढ़कर रिश्ता निभा गया। वो पुरानी कहावत है, कभी कभी कमजोर मजबूत का सहारा बन जाता है। जैसे आज तू मेरा सहारा बन गया। मेला तुझसे नाराज है, पर उस नाराजगी की वजह मैं हूं। जिंदगी में कभी किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं, बिना बेल बजाए जो। और सुन, मैं मेला के मन को अच्छे समझता हूँ, तुझे माफ कर देगी, पर तू मुझे माफ कर दे। कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी वजह से तो एक दिन में इतने सारे सबक सीख गया है। और आपको पता है, आप ना अपने आप में स्कूल हो, बस पढ़ाई थोड़ी अलग है। चलो तेरी पाँव का एड्रेस भूल गया है? तू नीचे झुकता है कि मैं अपना पाँव पर उठाऊं? Our show, The Winning Tortoise. Today we have one real eminent personality in our studio, the CEO of a very popular water purifier brand, Zen Purifiers, Mr. Rajiv Chhabra. Thank you. वैसे कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो आपके पीछे भी किसी औरत का हाथ है? मेरे पीछे तो जी औरतों की फौज का हाथ है और आदमियों का भी हाथ है। मैंने अपने बिजनेस के लिए मैडम क्या क्या नहीं बनाया, कौन कौन से रिश्ते नहीं बनाए, मामा, चाचा, चाची, ताया, नाना, नानी, दादा, दादी, दीदी और जीजू, वो भी बनाए। मुंडा याद है, प्यूरीफायर लगाने आए थे।
इसे कैसे भूल सकती हूँ गप्पू। बिंदु याद है कि नहीं? हाँ, इसकी गर्लफ्रेंड। एक्चुअली वो गप्पू की नहीं। मुझे पता था कि बिंदु का और तुम्हारा था। क्या तो बताया भी नहीं आज तक? इस दिन का इंतजार कर रही थी जब तुम अपने मुंह से सच बोलो। ते माफ करता। उसी दिन कर दिया था। ऐसा करके मैं तेरे ना प्यार करता। चाय पियोगे? पिला। यार तुम औरतों का दिल कितना बड़ा होता है। यूं माफ करता। हेलो डार्लिंग। गगन, आज मिल रहे हैं ना? यार आज मैं इमोशनली ओवरलोड हूँ। ओहो। आज तुम्हारा लोड नहीं उठा सकता। क्यों? प्लीज डोंट माइंड।